तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बता कि इंडिया में राइट नाउ देर इज नो डर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ एमबीए होता है, ठीक है? मतलब नजदीक नुक एंड कहानी, आई थिंक हमारे पास एक कॉलेज है। एंड मैं कहीं ये स्टार्ट भी सुन रहा था कि किसी पॉडकास्ट में या यूट्यूब में कि हर 2 घंटे या 2 मिनट समथिंग में हमारे नए कॉलेजेस पॉपअप हो रहे हैं, या दिस इज द पेनिट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो एस एम एस इज इज द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। तो मतलब सिंस तूने वहां पे पढ़ा है तो उसके बारे में बता मुझे, मतलब हाउ हाउ इज एफ एम एस एज एन इंस्टीट्यूशन, तू कौन से प्रोग्राम में था, व्हाट वाज इट लाइक? यार मतलब मैं बताता हूँ सीरियसली, एमबीए का जो मेरा जर्नी था, एमबीए हाउ एमबीए इज डिफरेंट फ्रॉम जो आपका बाकी अंडरग्रेड के कोर्सेज रहते हैं. जैसे लेट्स टेक, हम क्योंकि बीटेक भी किया है हम दोनों ने, तो बीटेक इज मोर फ्रॉम अ टेक्निकल एस्पेक्ट. मतलब अगर आप टेक्निकली साउंड हो देन यू आर गुड टू गो, मतलब यू विल बी प्लेस्ड. बट एमबीए, व्हेन वी टॉक अबाउट एमबीए, इट्स मोर जहाँ पे नॉट ओनली योर टेक्निकल स्किल्स मैटर बट द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, आप कैसे स्टेक होल्डर मैनेज करते हैं. तो दैट इज ऑल आई वुड से इन अ शॉर्ट 3,000 फीट ओवरव्यू आई वुड से. सो नॉट दैट मैटर्स कि हाँ आपको, मतलब आपके टेक्निकल बेसिस स्ट्रांग है, यू नो थिंग्स, बट यू हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट दोज आउट. एंड वो अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स जो रहते हैं, दैट मैटर. आई थिंक एमबीए का अगर मैं जिस बोलूं तो वही सब कुछ है. वट एवर यू नो, हाउ यू आर एबल टू परफेक्ट इट एंड हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट इट, इन शॉर्ट. सो आई थिंक एफएमएस इज मतलब काफी ओल्ड लेगेसी एमबीए इंस्टीट्यूशन है, 1954. एंड एमबीए इज नॉट ओनली अबाउट यू नो वट एवर यू लर्न. आई थिंक लर्निंग परस्पेक्टिव से यू कैन गो टू यूट्यूब, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एज अ कॉलेज वट एल्स यू कैन प्रोवाइड? यू कैन प्रोवाइड द नेटवर्क टू द स्टूडेंट्स, जहाँ वो ऐसे कम्युनिकेट कर पाए वट एवर दे फील वुड बी द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. तो एफ एम एस बींग एन ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, तो अब उनका जो एलम बेस है, पीपल हु हैव स्टडीड इन लेट्स से 1960s, 1970s, 80s, 90s, तो वो लोग अभी CXO लेवल्स पे हैं, वो लीड कर रहे हैं, MNCs लीड कर रहे हैं, द पीपल आर इन US, यूरोप, स्टार्टअप्स हैं उनके अपने. तो आई थिंक दैट सेट्स अ पेडिग्री फॉर पीपल दैट आर गोइंग, दैट आर इवन थिंकिंग टू बी स्टडिंग इन एमबीए कॉलेजेस. सो दैट मैटर्स अ लॉट, नॉट ओनली व्हाट यू आर गेटिंग अ चांस टू स्टडी देयर, बट ऑल्सो हाउ यू आर ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर एंड पीपल हु आर स्टडिंग विद यू, योर सीनियर्स एंड योर बैचमेट्स. बिकॉज वहां पे जो आपके साथ बच्चे रहेंगे, द पीपल जो आपके कलीग्स रहेंगे, दे आर फ्रॉम IITs, मतलब स्टैब्लिश IITs, तो उनका भी वो नॉलेज बेस स्ट्रांग रहता है. एंड आई थिंक अगर आप वो इंसान हो, यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड आपके पास वो, मतलब आई वुड से लर्निंग थिंग है, मतलब यू आर एबल टू लर्न फ्रॉम पीपल जो आपके सराउंडिंग में है, तो आई थिंक यू 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 आर एट अ राइट प्लेस. एंड आई थिंक दैट मैटर्स, बिकॉज तुम जितना एब्जॉर्व कर सकते हो एज मच एज फ्रॉम पीपल दैट आर इन योर विसिनिटी, इन योर सर्कल, सो दैट मैटर्स अ लॉट. एंड टीचिंग एस्पेक्ट आई वुड से इज द वेरी बेस्ट इन FMS. आई गेस पीपल हु आर टीचिंग देयर प्रोफेसर एंड ऑल, सो यू गेट टू लर्न देम फ्रॉम, यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम अ लॉट एज वेल. सो थ्री एस्पेक्ट आई वुड से, लाइक नेटवर्क कम्युनिकेट, नेटवर्क जो कॉलेजेस में रहता है, एंड देन ऑब्वियसली योर कलीग्स, एंड देन ऑब्वियसली योर टीचर्स. सो इट्स नॉट इन द ऑर्डर दैट आई एम टेलिंग यू, बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैटर, विच तो इज मतलब हाँ मतलब बोल 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 प्लीज कैरी ऑन। मैं वही बोला था, दिस इज मतलब मच डिफरेंट देन व्हाट वी स्टडी इन कोर्सेज इन यूट्यूब, यूडेमी एंड ऑल. वहाँ पे वो एस्पेक्ट मिसिंग है दैट यू गेट टू लर्न फ्रॉम पीपल दैट आर इन योर सर्कल, और लेट्स से दैट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर कॉलेजेस और समथिंग. सो दैट एस्पेक्ट इज मिसिंग इन दैट ऑनलाइन सेटिंग. बट आई गेस सबके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू माई साइड ऑफ थिंग्स. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो यार मतलब तू इमेजिन कि एक जगह पे या एक चीज करके सब कुछ हो जाए। आई थिंक जैसे हम लोग अभी नाउ वी हैव डन आवर
बिट ऑफ एजुकेशन जो हमें, शायद मेरी तो चलो से अंडर ग्रेड ही है, और उसके बाद हमें एक्सपीरियंस आ जाता है कि एक जगह पे आप सब कुछ मिलना या इवन एक्सपेक्ट करना इज अ वेरी इज नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है. आपको मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें मिलेंगी, अलग अलग तरीकों से मिलेंगी. क्योंकि राइट ये राइट बड़े राइट अच्छी राइट बड़े 3 पॉइंट्स तुमने टच किए हैं, वो है एक तो जो नेटवर्क मिलता है वहां पे, और ये बहुत सही बात है कि अगर जिस कॉलेज से 1960s के एलम है, जहां से अभी इफ दे आर एट CXO इज चीफ मतलब सीएक्सओ इज एक्सपर्ट. बेसिकली बेसिकली आपका वो ब्रॉडर अम्ब्रेला है. सो सीएक्सओ में यूर सीईओज आर देयर, सीएमओज आर देयर, जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के ऑफिसर्स हैं, दैट कम्स अंडर द सीएक्सओ अम्ब्रेला. सो ऑल सीईओ, एग्जीक्यूटिव सीएमओ, सीओ, क्लास के जो ऊपर, जो हाँ भी एग्जीक्यूटिव टिपिकल क्लास, राइट राइट एग्जीक्यूटिव क्लास के जो एकदम टॉप दो ब्रास है, वो दैट वी कैन रेफर बाय CXO, मतलब वो है. तो FMS का एडवांटेज तुमने बताया कि भाई एक तो नेटवर्किंग वहां पे अच्छी होती है, राइट, कि आपका एनी वे लोग काफी अलग अलग उससे आ रहे हैं. देन एलम्स वहां पे काफी तगड़ा एलम बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरा टीचर्स, तो कोई ऐसा मतलब व्हाट इज वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, क्या आता है दिमाग में जब मैं कहता हूँ कि वहाँ की टीचिंग एक्सपीरियंस का जो तुमने मेंशन किया, कुछ अगर समथिंग दैट कम्स टू यार, योर माइंड. वैसे मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं था, बट टू बी ऑनेस्ट, देयर वाज वन प्रोफेसर, आई थिंक हर्ष शर्मा. सो ही इज कॉल्ड यू नो गॉड और गॉड ऑफ मार्केटिंग. लाइक अच्छा आई वुड से मार्केटिंग इज मोर, पहले मेरे को लगता था मार्केटिंग इज क्या है, बस एड दे देते हो तुम लोग. बट अच्छा वो उस एड के पीछे अगर तुम देखा जाए ना, तो दैट इज कंप्लीटली साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ, तुम्हें जो देख रहा है वो एड देख रहा है, इट हैज टू बी आई कैचिंग. और वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो आई कैचिंग हो, और आई कैचिंग इन टर्म्स ऑफ कि मतलब तुम यूजर को ऐसे नॉट फोर्स, बट मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक सिमुलेट, इंस्टिंक्टिवली और या हाँ मतलब बेसिकली ट्राई टू गेट हिम टू गिव हिज अटेंशन टू यू, एज वेल एज मेक हिम टू बाई योर प्रोडक्ट. सो मार्केटिंग का आई थिंक थोड़े कुछ ऐसे चीजें थी विच इज मोर फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो सारी चीजें आई थिंक अभी ऐसे मेरे को टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है, बट आई थिंक देर वॉज वन थिंग, मतलब बुक्स में यूजली रहता है ना कि हमारा, अगर इफ यू हैव अ पैम्पलेट, तो आपका आई सबसे पहले किधर जाएगा. तो दैट इज मोस्टली व्हाट आई कुड रिकॉल, मोस्टली अपना लेफ्ट साइड पे जाता है. तो मोस्टली जो अच्छा जहाँ, हाँ मतलब ऐसा है, मतलब जितना मेरे को याद है, तो लेफ्ट साइड पे अपना फोकस ज्यादा रहता है. तो यूजुअली अगर आप देखोगे एड सेट्स पे, तो वहाँ पे जो बिगर फैक्ट, बिगर चीजें रहती है, मतलब जिसपे एडवर्टाइजर इज ट्राइंग टू ले एम्फेसिस ऑन, एंड दे आर मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड. तो मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो मतलब बुक पढ़ने से भी वो चीजें आती हैं, बट आई थिंक इफ समवन प्रोफेसर और समवन इज टेलिंग यू दैट, आइदर इट्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस और इट्स इन द बुक्स दैट यू माइट हैव मिस्ड. सो आई थिंक फ्रॉम टीचिंग परस्पेक्टिव, आई थिंक आई कैन रिकॉल दैट प्रोफेसर, इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम मार्केटिंग, बट या ये सारी चीजें नहीं, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहते हैं. और मतलब दिस माइट बी वेरी जेनरिक, आई थिंक मतलब सुना होगा लोगों ने ये सारी चीजें नहीं मार्केटिंग. नहीं हाँ नहीं नहीं तो नहीं सी यू नो आई रियली लव रीडिंग और साइकोलॉजी एंड स्टफ, बट ये जो ये बताना कि पैम्फलेट में सीधा आई लेफ्ट को जाती है. बट और एक चीज थी, जैसे तुमने बोला कि व्हेन व्हेन यू पुट इन एन एफर्ट टू मेक एन एड या मार्केटिंग के लिए जब तुम करते हो, जो मुझे भी लगा, तो ऐसा लगता है कि एड चला दो, या एज इन जैसे इंस्टाग्राम पर मैं कई जगह देखता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में जो आता है कि लर्न टू रन फेसबुक कैंपेन्स और इंस्टाग्राम एड्स, बट जो उसके पीछे की थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आजकल अगर जैसे हम भी ये पॉडकास्ट बना रहे हैं या कोई भी कुछ कर रहा है, तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम सामने वाले का अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. और मेरे हिसाब से अटेंशन आजकल सबसे यूजफुल करेंसी है, राइट राइट. अगर सो राइट. उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं. अगर इंस्टाग्राम में अगर आजकल चल रहा है ना, सो बट इंस्टाग्राम आपको क्या दे रहा है, एक तरह से वायरलिटी दे रहा है. तो अगर आप इंस्टाग्राम पे एड्स दे रहे हैं, आपके एड्स मोस्टली अगर वायरल रहेंगे, लेट्स से फॉर 1 और 2 वीक्स, ठीक है, उसके बाद आपका वो वायरलिटी सस्टेन नहीं करता है, ठीक है. तो उस पे आपको मतलब वो एड्स प्रमोट करना उतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे नहीं रहता है.
एज कम्पेयर टू अदर पोर्टल जो आपके यूट्यूब वगैरह है जिसपे आपको कॉन्स्टेंट आईबॉल मिल रही है, और लाइफ टाइम उसमें की बात वायर कर रहा हूँ। हाँ, उसमें वायरलिटी वाला उतना सेंस नहीं है ना। इंस्टाग्राम पे इट्स मोर अबाउट वायरलिटी, और वायरलिटी जब आप बोलते हैं कोई वीडियो वायरल हुआ है तो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। तो वो सारी चीजें एड्स पर्सपेक्टिव से अगर आप बोलो तो इंस्टाग्राम इज मतलब वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप मतलब ये हाँ ये सोच सको कि आप यार हाँ ठीक है आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे ऐड दे सकते हैं वहां पे। हाँ फॉर अ टाइम बीइंग लेट से कि हाँ एक वीक के लिए आप अगर ट्राई कर रहे हो अपलिफ्ट करना एकदम से, अटेंशन वाला फेज आए, अवेयरनेस वाला फेज आया, देन दैट इज अ प्लेस टू स्टार्ट। बट उसके बाद वाला जो फनल है आई थिंक उसके बाद तो आई थिंक यू नीड टू एक्सप्लोर मोर चैनल्स यूट्यूब एंड ऑल, तो सारे बहुत सारे फैक्टर्स है। ये मतलब बहुत सही बात बताई। लाइक मुझे पता है कि तेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का नहीं है, और तुम्हारा जो जिस तरीके से वहां पे मे बी प्रोफेसर हर्ष वर्मा, राइट, यही नाम है उनका, तो जैसे उनकी आई मीन जस्ट अ क्लास जो तुमने अटेंड करी एंड एंड यू स्टिल रिटेन इट। तो इट्स नॉट कि हमने प्लान करके मैं सोचा था कि ये पूछेंगे बट ये आ गया। तो दैट इज समथिंग आई बिलीव इन यार, कि जो पहला आता ना दिमाग में बहुत सही होता है। और ये जो यू राइट तुमने राइट ये जो एक वायरलिटी की बात करी, और अगर हम उसकी लाइफ टाइम की बात करें, तो इसे दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे टच करूंगा। एक तो ये कि जो इंस्टाग्राम की रील्स होती है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ऐसी कितनी व्यूज वाली होती है बट हमें याद भी नहीं कि हमने कौन सी रील देखी थी। शायद शायद कोई क्रिएटर होगा जो कंटिन्यूअसली जिसका मतलब जो अपने टारगेट ऑडियंस को एजुकेट कर रहा है एंड देन हम सस्टेन कर सकते हैं। पर नॉर्मली यू नो एक वायरल रील डजंट मीन कि यू नो वो एड वर्दी हो सके, अगर आई डोंट नो, मतलब एज अ कंज्यूमर अगर मैं सोचूं। अब जैसे एक राइट छोटा राइट राइट एग्जांपल है, वो पुराने वो एक एड आता था ना वॉशिंग पाउडर निर्मा का, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अब वो जो भी बनाया उन्होंने, देखो इतने साल बाद भी वी स्टिल रिमेम्बर वो उनका जिंगल और वो पूरा सब कुछ। तो मतलब देयर इज समथिंग ना जो उन्होंने अपने टारगेट कंज्यूमर को सोच के बनाया होगा, कि इतने साल बाद भी लोगों को याद है हाँ भाई वो ऐड आते थे, गिवन कि हाँ चलो उस टाइम पे मीडियम कम थे, कि DD1 थे या केबल नेटवर्क का कम पेनिट्रेशन था तो लिमिटेड हो, स्टिल तब इतने सालों बाद आपके दिमाग में कहीं वो आ रहा है तो कुछ तो किसी ने काम किया था ना उस पर। जिंगल एंड ऑल वो सर जो ट्यून्स ट्यून्स सब की रहती हैं वो तो आई थिंक दोज आर द परफेक्ट, आई वुड से परफेक्ट मीडियम टू कन्वे व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल टू योर कस्टमर। तो अपार्ट फ्रॉम जो वहां पे पेडिग्री, जो वहां पढ़ाई होती है, हाउ इज लाइफ इन FMS, कैसा, हाउ इज इट एज अ स्टूडेंट ऑफ बीइंग अ लाइफ फॉरवर्ड? एज एन यार स्टार्टिंग का आई वुड से स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर इट्स मोर अबाउट सेटलिंग इन टू द न्यू एनवायरमेंट, गेटिंग टू नो हाउ थिंग्स वर्क। सो फर्स्ट ईयर आई वुड से इज अ बिट हेक्टिक इन टर्म्स ऑफ दैट ऑल ऑफ दैट, बट आफ्टर दैट व्हेन यू गेट अकस्टम टू हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ व्हाट बेसिकली आफ्टर योर फर्स्ट ईयर यू गेट इंटर्नशिप एंड ऑल, देन यू फिगर आउट लाइक हाउ टू गो अहेड। देन आफ्टर दैट आई गेस सेकेंड ईयर इज अ बिट आई वुड से रिलैक्स इन टर्म्स ऑफ दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट लाइक वट दे वॉन्ट टू बी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव आइदर डन देयर इंटर्नशिप और मोस्ट ऑफ देम हैव ईदर आर ऑलरेडी प्लेस थ्रू देयर इंटर्नशिप ओनली। सो द सेकेंड ईयर इज नॉट एज आई वुड से हेक्टिक, बट या इट्स मोर सॉर्ट ऑफ लाइक आई वुड चिल आउट, से चिल आउट, चिल्ड आउट, बट द फर्स्ट ईयर इज अ बिट पार्टी हेक्टिक। पार्टी ज्यादा होती सेकंड ईयर में? पार्टीज तो आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट के किस कॉलेज में नहीं होती है। पार्टी इज समथिंग एवरी वन लिव्स बाई बिकॉज यार कौन जाएगा हमेशा क्लास। ये भी सही है यार। ये है ना, मैंने जितने भी टॉप कॉलेजेस वाले लोगों से सुना है, मेड भी FMS, ISB, IIM, मतलब एक बहुत फॉन्ड मेमोरी है, बड़ी अच्छी स्माइल जो तेरी से कभी भी आ गई है इस टाइम पे। तो जब भी कुछ पूछो कॉलेज के बारे में, तो पार्टीज डू फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट, जो मुझे लगता है इनफॉर्मल कनेक्शन या उसके लिए भी अगर देखो तो पार्टीज का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। दैट इज देयर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, व्हाट वैल्यू डू यू थिंक दैट यू नो, एक तो हमें पता है कि यार लेट्स बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, कि
एमबीएस प्रोवाइड अ श्योर शॉट ग्रोथ इन पे पैकेजेस, ठीक है। मैं ये तो पक्का है कि भाई एमबीए जा रहे हो तो उसके बाद जो तुम्हारा जनरली, अगर तुम जैसे एफएमएस या इस लेवल के कॉलेज से कर रहे हो तो तुम्हारा जो पे पैकेज है वो तो बढ़ेगा। पर अगर मैं इसको, वो तो होना है और वो बहुत जेनरिक है, नोन है, वो तो ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम इट, इस प्रोग्राम ने एग्जैक्टली क्या वैल्यू शुभम इसको प्रोवाइड करी, व्हाट इज समथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, या पहले ये था और बाद में ये हुआ, या किसी चीज को देखने का नजरिया बदला, या व्हाट इज दैट थिंग जो तुम्हें लगता है वैल्यू है। यार आई वुड से एमबीए में हम लोगों का ऐसा रहता था कि यू हैव लाइक मतलब एक दिन मिलता था, देन यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग। तो जैसा हम लोग आई थिंक कंसल्टिंग डोमेन में रहता है, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इवन इफ यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट्स मोर मोर अबाउट वट एवर यू नो, यू हैव टू लर्न मोर एंड देन बी एबल टू प्रेजेंट इट और convince the other person that you know these things। तो जैसे एक गैप प्रोसेस है कि ठीक है, बाय चांस मुझे पता है कि मेरा ये टास्क है, गोल है, प्रेजेंटेशन देनी है, या अभी जो वर्क प्रोफाइल में काम करते होगे, मुझे ये पता है, मुझे ये करना है, मेरे पास ये टाइमलाइन है, एंड इसमें मुझे बेस्ट करना है अपना, व्हाट एवर आई कैन डू, राइट? सो दिस इज समथिंग जो डू यू थिंक एमबीए हैज इनकलकेटेड इन राइट यू? राइट हाँ, आई थिंक वो सब चीजें हैं जो मतलब हम लोगों को लगता है कॉमन चीजें हैं, बट हाँ फ्रॉम मतलब जो मैंने कुछ सीखा है, आई थिंक दैट दिस विल बी अ जिस्ट ऑफ इट, लाइक हाउ टू डू थिंग्स, एंड फिर उसमें वो सब आ जाती है अपना जो वहां पे सब्जेक्ट्स थे। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है यार किसका कैसा इंटरेस्ट है, वेदर द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, तो उसका वो सब लर्निंग एंड थॉट प्रोसेस विल बी मोर अलाइन टू द मार्केटिंग थिंग्स। इसका ऑपरेशन में है तो ही विल बी थिंकिंग मोर फ्रॉम दैट ऑपरेशनल एस्पेक्ट। तो आई थिंक दैट मैटर्स कि इंटरेस्ट लेवल किस साइड पे है, बट ओवरऑल आई वुड से हाँ जो मेंशन किया तूने वो सब चीजें हैं, बट प्लस दैट इंटरेस्ट लेवल आल्सो कम्स इनटू प्ले। हाँ, मतलब मुझे लगता है जब जो सारी जो हमने इधर बात करी, अगर जब डिफरेंट, जब तुम्हारा कोहोर्ट ही ऐसा है, जब तुम्हारे क्लासमेट्स ही ऐसे हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो तुम बात भी कर रहे हो, इनफॉर्मली बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाय पीने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर बातें निकलती तो समाओ आपके भी एक पार्ट को टच करती है ना, साइकी को, हाँ यार मे बी अच्छा ये ऐसा है, एंड पीपल आर देयर टू लर्न, राइट? लोग वहाँ ठीक है, राइट पार्टी वार्टी सब चल रही है, पर लोगों को पता है कि वाई दे आर देयर, वो सब चीजें ठीक है, ऑक्सिलरी है, चीजें चल रही हैं साइड में, बट दे आर नॉट द मेन थिंग, आप वो भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, राइट तो राइट दैट दैट डेफिनेटली टचेस द नर्व मेरे हिसाब से। मैंने किया नहीं, बट हाँ, इतने लोगों से सुन सुन के मुझे इतना पता है कि ये ऐसा में भी आता है, हाँ आई दैट्स थिंक व्हाई। वो पार्टीज तो यार मतलब इनफॉर्मल रहते ही हैं, आई थिंक जिनको जो पीपल हु आर राइट मतलब हु वांट टू नेटवर्क वाया ड्रिंक्स एंड ऑल, तो आई थिंक दोज आर प्रीटी बिल्कुल, कॉमन इन एवरी बी स्कूल, और आई वुड से एवरी नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू बी स्कूल बट आई थिंक दोज आर प्रीटी कॉमन बिकॉज उस एज पे यू आर मैच्योर, तो आई थिंक यू टेक योर इवन ओन इवन डिसीजन। इनफैक्ट सो टू होल्ड अ ड्रिंक, लेट्स से सी, टू हैव अ ड्रिंक और नॉट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस, नाइदर वी इज टेकिंग योर ड्रिंक कि भाई आप पियो या जो भी, वो हर किसी पर्सनल चॉइस है, बट इफ यू डू इट, बट देयर इज अ वे अबाउट इट, राइट? आप जरूरी नहीं है कि मतलब यू नो आप उसको किसी नेगेटिव डोमेन में ले जाओ, आप यू कैन हैव ड्रिंक्स, टॉक टू पीपल, दैट इज समथिंग जो अगर आप सोशल सेटअप में हो एंड यू आर देयर, देन यू हैव टू फाइंड वेज जिससे कि आप वहां पे रह सको, नेविगेट कर सको, दैट अकॉर्डिंग टू मी इज फाइन। नाउ ऑब्वियसली ऑब्वियसली है, वो तो है, वो सब फैक्टर तो है। अच्छा, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टीज, तो हम लाइक हम लोगों ने स्कूल साथ में पढ़ा, ठीक है, अब रानीखेत जहाँ से हमारा पूरा फाउंडेशन है चीजों का, एंड टू एनीवन हु विल बी लिसनिंग टू दिस, रानीखेत इज नॉट पालनखेत, जो कि मुझे बहुत जगह लोगों ने पूछा है, वो किसी राजा हिंदुस्तानी या किसी और मूवी में था, रानीखेत इज अ वेरी स्मॉल, बहुत ही सुंदर शहर है, नैनीताल से इट्स अराउंड 80 किलोमीटर, नैनीताल से 60 है शायद, हल्द्वानी काठगोदाम से 80 कुछ 81 80 किलोमीटर, हाँ 80 80 हाँ, अराउंड तो हल्द्वानी, इट्स 88 किलोमीटर फ्रॉम हल्द्वानी एंड 60 odd किलोमीटर फ्रॉम नैनीताल, तो हम लोगों ने वहां पढ़ा, हमें पता है कि यू नो वहां पे पढ़ने का अपना एक्सपीरियंस अलग था। एक चीज जो मुझे लगती है, जो मैं कंटिन्यूसली सोचता हूँ, वो ये है कि यार हमारे यहाँ जैसे
अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जैसे यूपीएससी, लेट्स फॉर अ मोमेंट से कि यूपीएससी है जैसे, तो मैंने नोटिस किया जो हमारा उत्तर प्रदेश का स्टेट है या हमारा जो बिहार का स्टेट है या दिल्ली की सर्टेन पॉकेट्स है, कुछ एरियाज हैं यहाँ पे यूपीएससी का बहुत क्रेज है, और उतना ही क्रेज मैं देखता हूँ हमारे यहाँ ऑलिव यूनियन यानी कि आर्मी के लिए स्पेशली। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इवन एयरफोर्स और नेवी पीपल डू गो फ्रॉम देयर, बट जो ऑलिव ग्रीन का क्रेज है वहां पे वो काफी है। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, मतलब व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? यार मेरे को मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है यूजुअली हम लोग बेसिकली जो डिसाइड करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में तो दैट इज इन अ इन्फ्लुएंस्ड मैनर, तो उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहते हैं आइदर मतलब पीपल अराउंड यू वेदर दे आर योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग व्हाटएवर, और दूसरा रहता है आपको जो नॉलेज मिल रही है सो स्कूल से कॉलेज से वो सब। तो अपने वहाँ पे जैसे उत्तराखंड में मोस्टली यूजुअली क्या रहता है मतलब स्कूल में स्कूल से इतना डायरेक्शन नहीं मिलता है कि हाँ मतलब एक स्ट्रेट लाइन रहता है कि हाँ भाई साइंस लेना है एंड यू विल बी इंजीनियर, अगर कॉमर्स लेना है देन यू विल बी गोइंग इन टू द कॉमर्स लाइन, यू विल बी डूइंग सी ए एंड ऑल, सीए बन सो जाओगे। वो पाथ जो स्कूल से मिलता है दैट इज मोर स्ट्रेट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ मतलब दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, बट एक्चुअल में वो है ऐसा नहीं। और अपने वहां पे जैसा है कि मतलब जो भी हम लोग सीखते हैं हाँ मतलब उत्तराखंड में जैसा है कि हाँ मतलब फ्रेंड एंड फैमिली वो सब मतलब आर्मी में, तो हाँ वो नेचुरल इंक्लिनेशन फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट वहीं जाता है, आई थिंक वो नेचुरली आई थिंक वो सब जगह पे ही ऐसा रहता होगा। बट हाँ इन मेट्रो सिटीज सिंस मेट्रो में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पीपल माइट हैव नोन एंड नॉट नॉट ओनली फ्रॉम दैट स्कूल बट फ्रॉम इवन फ्रॉम देयर क्लोजर सर्कल एज वेल, सो वहाँ पे वो सारे चॉइसेस ज्यादा रहती हैं, दे गेट टू एक्सप्लोर एंड दैट इज नॉट ओनली इन द स्ट्रेट लाइन जो कि यूजली नॉर्म हम लोग पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन थिंक कि हाँ ये सब है ऐसा करनी है वैसा हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं होता, इट इज यूजली सर्टेनली नॉट इन अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। एक्सपोजर वाला पार्ट बहुत सही बात है यार। मतलब ये बात यार, हम लोग जब 12th कर रहे थे, मुझे बाद में आके कितनी, तो जब मैं बाद में जब मैंने जॉब स्टार्ट करी तब मुझे कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चला। तो एक्सपोजर इज इंडीड इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। और बट अगर हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसकी उस पर हम वापस आए तो रानीखेत में केआरसी के हेडक्वार्टर्स है, राइट, कुमाऊं रेजिमेंटल के अंदर। और एक टाइम पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहां नीचे की साइड को असम राइफल्स भी थी। असम 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 राइफल थी राइफल्स हाँ, तगड़ा रहो उन्हीं का वो है जो नीचे की साइड पे जाते। टकरा रहा तो कभी से बना हुआ है वो तो मतलब उनका नहीं है, वो वहां पे जो भी आती है रेजिमेंट ट्रांजिट में रहती है वो लोग यूज करते हैं, तो जैसे रेजांगला हो गया और टकरा रहा हो गया वो सब मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं उनके। अच्छा, मैं दो तीन चीजें यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। एक तो अपना खुद का एक्सपीरियंस, जो मेरा हॉस्टल था, मतलब कहाँ पेडिग्री इंपॉर्टेंट होती है और सब कुछ है वहां पे, हर हर हॉल में जो है जितने भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं उनकी फोटो थी शुरू से, और इनफैक्ट परमवीर चक्र की भी, जैसे कि लेट मेजर सोमनाथ शर्मा या फिर लेट मेजर शतान सिंह, जो कि चाइना वॉर के टाइम के अनडाउटेडली मतलब जो वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव जिन्हें कहते हैं, उनकी 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 फोटोज लगी हुई थी जनरल थिमैया और इन सब की। तो अगर आप इस इन्हीं सारी चीजों को देख के बड़े होते हो तो इनका इम्पैक्ट तो काफी पड़ता है, काफी ज्यादा पड़ता है। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, और इनफैक्ट अभी बाद में भी जब हम लोग उस टाइम घूमने भी जा रहे थे, तो जो भर्ती के टाइम पे जो हमारा सोमनाथ ग्राउंड है, तो सोमनाथ ग्राउंड इज अ प्लेस जहाँ पे मतलब आर्मी की काफी रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज रहती है रानीखेत में। तो वहां पे मैंने नोटिस किया है कैसे जो अदर रैंक्स की भर्ती होती है उस टाइम पे कैसे पूरा शहर भर जाता है। दैट इज द काइंड ऑफ क्रेज दैट पीपल हैव फॉर इंडियन आर्मी इन देयर। मतलब रानीखेत कुछ नहीं है, छोटा सा शहर है, होटल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट लोग अगले दिन सुबह भर्ती में जाने के लिए शहर में रोड के किनारे जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां पे सो रहा है, ठंड हो रही है, रानीखेत इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो वहां पे लोग ठंड में बैठे हुए हैं। और दैट इज समथिंग जो काफी डिफरेंट है वहां के कल्चर के बारे में। आई थिंक वो अपने उत्तराखंड में ज्यादा ही है वो हाँ वाला क्या कहते हैं मतलब उत्तराखंड साइड में वो आई थिंक सबसे ज्यादा ही है, अपार्ट फ्रॉम जितने भी अलग ज्यादा स्टेट्स हैं जितने भी अदर स्टेट्स हैं,
उसके कंपैरिजन में उत्तराखंड में वो ज्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्ट है टू सर्व द नेशन, वो सब तो ये फैक्टर भी है। बात हो सकती है, और दूसरा ये भी है कि जैसे जो हमारे कुछ शहर हटा दो तो बाकी मुझे जितना समझ में आता है मेरी नॉलेज के मुताबिक कि हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो गांव में बसती है अभी भी, गोस्ट विलेजेस का प्रॉब्लम और गांव में बसती है। तो जो लड़के हमारे यहाँ रह रहे हैं वो पढ़ाई के साथ नीचे, यार 1-1.5 किलोमीटर पीपल हुआ फ्रॉम जो अभी देखे हैं बाद में जो वैलीज या प्लेन्स में रहते हैं, मतलब वहाँ पानी लेने के लिए कभी कभी आपको 1.5 किलोमीटर नीचे पहाड़ में जाना पड़ रहा है, आप पानी ला रहे हो, छोटी छोटी चीजें लाने के लिए आपको काफी दूर चलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सबसे इंसान के जो एक फिजिकल एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग भी बाहर आके, जब हम बाहर आए वहां से उसके बाद हम थोड़े आलसी हो गए या कुछ, पर जो हमारे स्कूल के दोस्त लोग भी थे, एक हमारे यहाँ बहुत फेमस खड़ी बाजार है उसमें ये लोग सीधा दौड़ा करते थे, दैट वाज समथिंग। अगर तुम देखो 300-400 मीटर का सीधा चढ़ाई में दीज गाइज यूज टू गो फॉर अ जैप, तो वो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, मतलब आप वहां पे डेवलप हो रही हैं, और अलॉन्ग विद दैट जब आपके रेजिमेंटल सेंटर्स के हेडक्वार्टर्स है वहां पे, और जब आप देख रहे हो कि आपकी जनरेशन बाय जनरेशन जो है फौज में जा रही है, तो आई थिंक उस वजह से वहां पे काफी एक अच्छी खासी फॉलोइंग है वहां पे, द रिस्ट काइंड ऑफ राइट रिस्ट्रिक्ट। राइट मतलब राइट कई लोगों का मैंने सुना है, मतलब जिन्होंने कितने ऑल्टरनेट प्रोफेशंस और काफी अच्छे वो चीजें छोड़ी हैं जस्ट टू बी टू सर्व इन द आर्मी। राइट और राइट एक राइट राइट एक और आई डोंट नो हाउ मच यू आर फॉलोइंग दिस, बट एक एस्पेक्ट और है जहाँ पे ये जो पेडिग्री टिपिकल जो गांव की है, या जो एक हार्डशिप और डिफिकल्टीज आती, जो मिक्स मार्शल आर्ट फील्ड में अगर तुमने नोटिस किया हो तो उत्तराखंड के काफी लड़के आ रहे हैं। मेरी हाइपोथेसिस ये कि वहां पे मतलब ये वाला एस्पेक्ट डेवलप होता है धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली हो जाता है। राइट राइट या वो सब चीजें हैं। अभी आई थिंक एक था ना, मैं नाम भूल गया, आई थिंक उसका वो अभी एमएमए जीता अंशु है ना, जुबली, हाँ यूएफसी यूएफसी में। हाँ अंशु जुबली नाम है उनका, और आई थिंक देहरादून का ही है यूएफसी, हाँ वो। मैच भी जीते पहले और अब ही इज इन यूएफसी। तो ही यूज्ड टू गिव ट्यूशन टीचर, टू ही वाज अ ट्यूशन टीचर, वो ट्यूशन देता था। एक साल उसने ट्यूशन दिया और उसके बाद फिर उसने एक साल डेडिकेटेड पूरा प्रॉपर ट्रेन किया। वो एक साल उसने ट्यूशन इसलिए दिया क्योंकि ही डिडंट हैव मनी टू ट्रेन एंड ऑल, तो फिर मतलब उस इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर दो। वो बहुत लगता है और उसमें पूरा ट्रेन करना है एंड देन यू हैव टू मेक श्योर मतलब जो आप ट्रेन कर रहे हो उसको रिप्लेनिश कर पाओ, जो न्यूट्रिएंट्स लेना है आपको, सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो आई थिंक उसके लिए आप यू नीड मनी। आई थिंक द ट्रेनिंग पार्ट जो जितना, जैसे मैं थोड़ा बहुत, मैंने बहुत लेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, एंड विद मैं तो एक फिटनेस पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसकी जो ट्रेनिंग है काफी स्पेशलाइज होती है, स्पेशली जब आप यूएफसी या ऐसे कैंप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी आर वहां पे दीज आर लाइक बेस्ट ऑफ द बीस्ट, अगर हम कुछ कह पाए हैं सर, तो पीपल दे कैन लिटरली किल समवन एट देयर विल, राइट। दिस इज द काइंड ऑफ पावर इन द टेक्निक दैट दे हैव विद देयर बेयर हैंड्स, विद मल्टीपल, दे हैव मल्टीपल एवेन्यूज टू डू इट, राइट। तो आप दे कैन बॉक्स यू थ्रू, दे कैन किक यू थ्रू, एंड अगर आप रेसलिंग में हैं तो वो तो अलग ही लेवल है। तो जब आप मेरे हिसाब से इस लेवल के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसका माइंडसेट है, वो आने के लिए जो, और इट इट्स समथिंग वेरी वैल्यूएबल, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा, आई मीन इज नो डाउट राइट अबाउट इट। राइट नॉट ओनली हिम, आई थिंक एक और है हमारे यहाँ से अंगद बिष्ट करके हैं, वो भी ही समवन इज डूइंग गुड। एक और है कुछ रावत करके, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो दीज आर हाँ पीपल मेरे को व्हाट दो दो का ही पता है मेरे को। आई थिंक बहुत सारे हैं, आई थिंक बॉक्सिंग बॉक्सिंग में भी हैं अपने तो प्लेयर्स वगैरह। दैट इज समथिंग दैट इज गुड। अच्छा एक रिसेंटली जो, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, तुमने साइकिलिंग वाला पकड़ा है, पीछे साइकिल भी लगी हुई है। हाउ डिड यू फाइंड दिस स्पोर्ट, डिड द स्पोर्ट फाइंड यू और यू फाउंड द स्पोर्ट? यार मतलब बोथ, इट वाज बोथ। तो एक्चुअली मेरे को मतलब साइकिल का ऐसे शौक नहीं था, हाँ पर ठीक है चल रही है। तो मेरा एमबीए में एक दोस्त था, मतलब वो गुड़गांव रहता था, तो उसके पास थी रोड रोड बाइक थी उसके पास, तो जो पतले टायर वाली रहती थी। तो दैट गाय यूज्ड टू कम फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, तो वहां से वहां तक आता किलोमीटर था और पूरा अपने साइकिलिंग वाले मतलब पूरा सूट अप होके पूरा साइकिलिंग वाले शॉर्ट्स में और साइकिलिंग वाले
शर्ट में हेलमेट हेलमेट डाल के, मैंने कहा इज दिस गाय फकिंग क्रेजी। तो वो बंदा बताता था, वो बताता था यार बहुत मजा आता है पूरा ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है यार वर्थ इट, ट्राई ट्राई करना तो बनता है। तो उस टाइम पे था नहीं, हाँ मैंने कहा यार ट्राई करेंगे कभी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ लॉकडाउन के बाद एक चार दीवारों के अंदर बंद थे हम लोग पूरा ओल्ड दिल्ली में। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन खुला उसके बाद टाइम मिला, और उसके बाद मैं गया हल्द्वानी। हल्द्वानी हल्द्वानी जाकर मैंने, मतलब हल्द्वानी तो यार काफी सही जगह है। तो उसके बाद उस इज अ समय, प्लेस जो उत्तराखंड में हाँ है, नियर बाय नैनीताल, और ये हाँ आप एक तरह से कह सकते हो इज द बेस टूवर्ड्स द हिल्स फ्रॉम हाँ हाँ गोलगोपी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसके बाद मतलब सेकेंड लॉकडाउन, जब ये सेकेंड कोविड वाला वेव थोड़ा खत्म हुआ, तो उसके बाद मैं घर चला गया था। तो उसके बाद मतलब बैक ऑफ द माइंड में तो था यार एक साइकिल तो लेनी है। मतलब स्कूटी भी नहीं थी घर पे, तो मतलब स्कूटी, मतलब दो माइंड चल रहे थे यार, स्कूटी लेनी है या फिर वो लेना है। मैंने कहा ठीक है, इस मैंने कहा स्कूटी में क्या ही मजा है, साइकिल लेते हैं। तो उस समय मैंने माउंटेन बाइक ली। मतलब मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने रिसर्च विसर्च नहीं की। गया दुकान में, मतलब पहले भी था दुकान मतलब जाने का, तो दोस्त के साथ गया मैं। मैंने कहा भाई साइकिल लेनी है, गया वहां पे देखे दो तीन, मैंने कहा कौन सी लेनी है, मैंने कहा ले ले कोई भी ले लेते हैं। तो वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम ली थी, तो वो मैंने चलाई 1 साल 1.5 साल, हाँ 1 साल चलाई मैंने। उससे मैं गया इधर उधर, तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करता रहा। और मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता था, मैं सुबह उठ जाता था और थोड़ा वहां से निकल गया। मतलब प्लान नहीं रहता था किधर जाना है, बस निकल जाना है, पहाड़ छूने, आगे सामने पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ छू लो। कभी बारिश होती थी वहां नदी वदी में चले जाओ चिल कर लो। तो मेरे 3 4 घंटे आराम से स्पेंड हो जाते थे पूरा सही वाले व्यूज के साथ। मतलब लोग जो चीज देखने के लिए छुट्टी लेते थे, वो हमारे घर पे है अवेलेबल, मतलब अपने होम टाउन में। मुझे बड़ा सही लगता था, मैंने कहा जितना है उतना घूमो। तो मैं बहुत एक्सप्लोर करने लग गया था। मतलब मैं हल्द्वानी में ऐसी ऐसी जगह गया हूँ कि मतलब मेरे को पता नहीं था वो चीजें भी हैं। मतलब पूरा वहां पे डैम भी बने हुए हैं, तो मैं उधर पे भी निकल जाता था सुबह सुबह। और कभी कभी तो मेरे को ऐसी जगह मिली है ना जो पूरी सुनसान है, मतलब ऑल यू कैन हियर आर बर्ड्स, बर्ड्स की आवाज आ रही है, और सिर्फ नदी बह रही है, और जो ग्रास हॉपर्स रहते हैं ना उनकी आवाज आ रही है, और उसके अलावा कुछ आवाज नहीं है, सिर्फ तुम हो और मतलब पूरा साइलेंस, अच्छा और किसी की आवाज नहीं आ रही है। तो कभी कभी तो मतलब ऐसा लगता था कि बैठो आराम से, मतलब कुछ नहीं है लाइफ में, बस ये है मस्त है, वादियां चल रही है। मतलब निर्माणा बड़ा सही, बड़ा सही लगता था। तो वो किया स्टार्ट। फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ से अब नैनीताल तो जाया जा सकता है, जोलीकोट से आगे दिखता था नैनीताल वाला। मैंने कहा नैनीताल भी जाए, चला ही जाएगा। तो फिर मैंने उसके बाद ये वाली बाइक ले ली, हाइब्रिड बाइक ले ली। तो उसके बाद मेरा मतलब हाँ सिटी थोड़ा खुलने लग गया था, तो हाइब्रिड का भी आ गया था, रोल आउट हो गया था कंपनी वाइड। तो एक मैंने कहा छोटा ठीक है क्वेश्चन, यार। सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता माउंटेन और हाइब्रिड बाइक में क्या डिफरेंस होता यार माउंटेन बाइक, मोस्टली माउंटेन बाइक का ऐसा रहता है कि माउंटेन बाइक में यू नीड ट्रैक्शन, तो उसके जो टायर्स रहते हैं ना दोज आर वेरी वाइड, और उसमें जो ग्रिप्स रहती हैं वो भी ग्रिप थोड़ा ऐसा रहता है कि ग्रिप हो जाए, तो यू यू वॉन्ट स्लाइड और वो सब ना हो, फ्रिक्शन बना रहे, ट्रैक्शन बना रहे। उसके टायर वाइड रहते हैं थोड़े, उससे भी मोटे, वाइड वाले मतलब आते हैं, चौड़े हैं। हाँ, थोड़े चौड़े रहते हैं माउंटेन बाइक के। एंड ठीक उसके बाद आते हैं जो सबसे पतले टायर रहते हैं, वो रोड बाइक रहते हैं। है, तो अच्छा रोड बाइक में ऐसा रहता है, रोड बाइक का मोस्टली यूज क्या रहता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रहती है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस अगर तुमको जाना है तो उसके हैंडल अलग रहते हैं। अगर आपने देखा रहेगा ना, जैसे मेरे उसके हैंडल हैं, मेरे अच्छा उसके हैंडल स्ट्रेट बार हैं, तो उसके हैंडल ऐसे बेंड वाले, डाउन रहते हैं। हाँ बेंड ये डाउन जो रहते हैं। वाले तो जो जीता वही सेकंडरी लाइफ होंगे। हाँ हाँ, वो एक्चुअली हाँ बेसिकली क्यों रहते हैं ना, क्योंकि आपको एरोडायनेमिक्स मेंटेन करना है। क्योंकि हाँ माउंटेन बाइक में आपको एरोडायनेमिक्स की टेंशन नहीं है, आपको नेविगेट करने हैं जो वो ट्रैक्स आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो आपके रोड है नहीं, तो आपको वो मेंटेन करना है। तो उसमें आपको पूरा फर्म ग्रिप चाहिए, तो उसमें स्ट्रेट बार रहते हैं। बट माउंटेन वो ये सॉरी जो रोड बाइक में आपको एरोडायनेमिक्स मेंटेन करना पड़ता है कि कम ड्रैग लगे, आप पूरा स्पीड से जा सके। तो रोड बाइक में प्राइमरी एस्पेक्ट रहता है आपका क्या कहते हैं स्पीड का, तो इसलिए उसके टायर बहुत पतले होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो मोस्टली मेंटेन्ड ही हैं, तो आपको स्पीड पे उतना फोकस रहता है। बाकी उसके बीच का जो रहता है वो दैट इज हाइब्रिड, मतलब वो हाइब्रिड आप माउंटेन बाइक उतने टफ वाले टेरेन पे नहीं चला सकते, पर हाँ नॉर्मल जो अपने माउंटेन्स रहते हैं, माउंटेन वाले रूट रहते हैं उसमें चला सकते हो, और रोड बाइक में भी रोड्स पे भी चला सकते हो। तो वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। तो उसमें हैंडल भी आपका स्ट्रेट रहता है, मतलब अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो
तीन टाइप की रहती है। एक ग्रेवल आती है, ग्रेवल बाइक रहती है। ग्रेवल बाइक में तो माउंटेन बाइक से भी मोटे टायर रहते हैं, तो अच्छा उसका पर्पज रहता है कि जो वैसे वाली रोड रहती है ना, जो एक्चुअल में भी रोड नहीं है और वहां पे स्किड होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, जो जैसे रोड रेता में बज वो हाँ रेता बजरी पड़ा। हाँ, तो गिरता भाई वो इतने है, मोटे टायर रहते हैं उसके, वो मैंने देखा था एक बार, ये इधर चला रहा था कोई हल्द्वानी में, इतने मोटे टायर। मैंने कहा भाई ये भी खतरनाक चीज है। तो सही था यार, मतलब साइकिलिंग में, मतलब मैं बता तो अगर मैं इधर स्टार्ट करता दिल्ली में, तो मैं नहीं चला पाता, मतलब नहीं चला पाता यार, इतना है नहीं इधर पे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब इतनी चीजें है नहीं। तो हल्द्वानी से स्टार्ट किया था, तो हल्द्वानी में यार इधर उधर घूमा, नैनीताल भी गया, तो मजा आता था। वो एलिवेशन पे चढ़ाओ, फिर भाई नीचे डाउन हिल में तो कुछ करना नहीं है, बस ऐसे लगा लो और निकले हो सीधे, तो वो अलग लेवल का था। फिर वहां से सीखा, फिर अब मैं इधर आ गया, तो फिर मैंने इधर साइकिल भी लिया, बीच में इवेंट था तो मैंने कहा सही है भाई ट्राई करते हैं, पर ठीक है इधर पे भी मस्त चल रहा है, अभी वीकेंड जो पे जा जो रहे हैं राइड्स। पॉडकास्ट सुन रहे हैं हमारा, नैनीताल से हल्द्वानी, हल्द्वानी से नैनीताल करना आसान नहीं है। हल्द्वानी से नैनीताल इज 40 किलोमीटर, राइट? हाँ 40 किलोमीटर तो है। भाई ये तो 40 किलोमीटर चलाया तूने, दैट इज यू आर प्लेइंग इट लाइक इट इज अबे टू भाई, मिनट्स। अबे 40 मैं बता किलोमीटर रहा हूँ, साइकिल पांच मैं घर मिनट पे में चलाना इज मैं घर पे नॉट क्या ए बोल टाइम गया था, स्पेंट। मैं घर से कब से बोल रहा था। मैंने कहा यार ठीक है अगले, अब मतलब एक बार मैं गया जोलीकोट, जोलीकोट से गया दो गांव, दो गांव से एक और आगे गांव पड़ता है, मैं वहां तक डिस्टेंस चला गया। मेंटेन कर मैंने सकता है, डिस्टेंस में बताते रहेगा सो दैट यू नो वी कैन आल्सो गेट एन अबे आइडिया मतलब टू। जोली जोलीकोट है तेरा, उसके बीच में पड़ता है तेरा, हल्द्वानी और नैनीताल के बीच में पड़ता है, ठीक है। जैसे वो 40 किलोमीटर है, तो वो तेरा अराउंड 20 किलोमीटर से भी पहले पड़ जाता है जोलीकोट, ठीक है। उसके बाद आता है दो गांव 5 किलोमीटर बाद, ठीक है। और वहां का 5 किलोमीटर यहाँ के 15 किलोमीटर के बराबर है इतना एलिवेशन पे रहता है वो। तो दो गांव तक मैं पहुंच जाता था नॉर्मली। मैं धीरे धीरे करके अपनी डिस्टेंस बढ़ाई, सीधे नहीं कि भाई यहाँ पहली राइड में नैनीताल निकल गया, मेरे को पता था वो नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे हाँ वो आदत बनती है पैरों को, कहाँ पे भाई गियर शिफ्ट करना है, कौन सा लोअर गियर पे चलाना है, कौन सा हायर गियर पे चलाना है, तो धीरे धीरे ऐसे करके दो गांव तक मैं पहुंच गया, तो मेरे को लगा भाई हाँ अब तो नैनीताल भी निकला जा सकता है, क्या ये इतना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो मैं अगले हफ्ते मैंने बोला, मतलब मैंने बोला घर वालों को सुबह सुबह नहीं, मतलब मैं बोल ही रहा था कि मैं जाऊंगा कल परसों, वीकेंड पे ही जाता था मैं मोस्टली, और मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं नैनीताल ही जाऊंगा सीधे। तो मैं पूरा सुबह सुबह लेकर गया भाई, केले वेले सेब मैं लेकर जाता था उसमें, मैं निकल गया, मैं वहां दो गांव वाला क्रॉस किया मैंने, उसके ऊपर क्रॉस क्रॉस किया, तब तक का कुछ लगा नहीं। तो फिर जब आया ना एलिवेशन, ऐसे एरीज वाले के वहां पे है भाई खतरनाक एलिवेशन, तो जितना चलाया उतने बार चलाया, और बीच बीच में ब्रेक भी ले रहा था, ब्रेक लेके वहां जो रोड साइड स्टॉल लगे रहते हैं भाई, वहां पे चाय वाय पी रहा मैं, चाय तो नहीं वो जूस से कंजी कंजी बना रहे थे, तो मैं वो पी रहा था। फिर उसके बाद एरीज वाले के वहां पे मैं, मतलब उसके वहां पे शायद वहां से शायद 3 या हाँ 5 किलोमीटर बचा था बाई रोड, और वो रोड पूरी ऐसी खड़ी थी, मैंने कहा भाई ये वाला तो बहुत टफ हो जाएगा। तो मतलब बीच में तो ऐसा लग रहा था वापस निकलता हूँ, मैंने कहा अब यार इतना आ गया हूँ तो यार करना सही नहीं बनता है। रहेगा करना बनता है, तो मैं यार चला गया वहां से। फिर मैं एरीज के वहां पे मैंने कहा यार अब तो पूरा रोड बाय रोड तो जाना है नहीं, सामने ही दिख रहा था ऐसे करके, अपने तो पहाड़ में ऐसे ही सामने ही दिखता है जगह, तो ऐसा लगता है कि भाई रोड बाय रोड ऐसे ऐसे क्यों जाना, जब इधर से शॉर्टकट कोई होगा गाँव में अपना, तो भाई वही मेंटेलिटी रहता है गाँव वाला ना कि भाई क्यों जाना, खेतों खेतों से निकलते हैं। तो मैंने गाँव वालों से पूछा, मैंने कहा भाई कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट है, तो वो बोलता है हाँ भाई आगे है शॉर्टकट, पर बाइक वाइक नहीं जाती। मैंने कहा भाई साइकिल है, बोलता है साइकिल भी आप चला के नहीं ले जाओगे, मैंने कहा कोई नहीं भाई कंधे पे रख के ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये अबे ज़्यादा भाई ऐसे थी वो, इतना ये इतने पतला सा ग्राउंड है, मतलब सिर्फ तू उसमें पैर रख सकता है, और नीचे बारिश वारिश आई थी तो पूरा ऐसे नीचे ढहा हुआ था पूरा। तो और अच्छा वो बाइक वाले इसलिए जा रहे थे उधर पे क्योंकि गांव था एक छोटा सा, तो बाइक वाले वहां गांव तक जा रहे थे, और बेसिकली वो रास्ता जो है वो हाईवे को कनेक्ट कर रहा था प्रॉपर, तो उससे तुम्हारे 5 किलोमीटर सेव हो जा रहे थे, सिर्फ आपको 2 किलोमीटर आपको चलना था, 2 किलोमीटर चलना भी नहीं था, उनमें से 1.5 किलोमीटर आपको साइकिल से चलाओ, 500 500 मीटर होगा सिर्फ आपको कि हाँ साइकिल थोड़ा एडजस्ट करके ले जानी पड़ रही। तो मैंने कहा वर्थ इट है, तो उस वहां पे उतना ज्यादा एलिवेशन नहीं था, तो मैं इतना चढ़ा, पर वो पूरा हाइट पे था ऐसे करके साइकिल, ऐसे मैं थोड़ा तो कंधे पे रख कर ले गया, मैंने कहा ये सही हो गया भाई, पूरा प्रॉपर माउंटेन बाइक टाइप का हो गया, पूरा ट्रेल्स भी हो गई और वो सब हो गया। तो उसके बाद हल्द्वानी नैनीताल पहुंचा, मैंने कहा भाई यार मस्त हो गया भाई। फिर नीचे आते वक्त तो मेरे को मुश्किल से कितना, आई वुड से कि 30 मिनट्स में मैं नीचे पहुंच गया था हल्द्वानी। पूरा
हाँ अबे पूरा पूरा तो वो तेरा ये है, मतलब इंक्लाइन तो है नहीं, पूरा पूरा डाउन है तीस वो, मतलब तेरे को कुछ नहीं, चार बस सौ मैं। हल्लनी 30 मिनट क्या रहा है? हाँ 30-40 मिनट्स में मैं पहुंच गया था, ब्रेक एक भी ब्रेक नहीं लिया और सीधे निकलते गया, तो आराम से पहुंच गया था मैं 40 मिनट्स में। सही है ब्रो। अच्छा इंडिया में ये तो एक पर्टिकुलर ट्रैक हो गया जो उत्तराखंड का बोल रहे हैं, जहाँ 40 किलोमीटर का तुमने हल्द्वानी से नैनीताल के, बट ओवरऑल इंडिया में साइकिलिंग का क्या सीन है जिसे हम कहते हैं, क्या मतलब इट्स नॉट वेरी मच टॉक्ड अबाउट, यार तो मैं क्या? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ यार, यूजुअली बाहर पे अगर तुम जाओ, यूजुअली बाहर पे मैं भी मूवीज वूवीज से देखा है, मेरे को भी इतना चांस नहीं मिला, तो उनके एक्चुअल साइकिलिंग ट्रैक्स रहते हैं, यहाँ पे पीपल कैन साइकिल और वो सब है, बट वो वाला आई डोंट थिंक कि इंडिया में कहीं पे है। इवन नोएडा में भी, आप इवन नोएडा नोएडा भी नोएडा में चले उन लोगों ने बनाने का ट्राई किया है, ठीक है, ये नहीं कि अच्छा उन्होंने नहीं किया है ट्राई, बट ओके ओके अच्छा साइकिलिंग ट्रैक्स टाइप के उन लोगों ने बनाया है, इवन दिल्ली में भी कहीं कहीं पे बनाया है, बट वो यूज नहीं होते, वो यूज होते हैं पार्किंग के लिए बाइक वाइक्स के, क्योंकि लोग उतना यूज करते ही नहीं है, वो सच्चाई है, तो वो सब है। बहुत पर वेट है। आई थिंक हाँ, तो यहाँ पे भी है, मतलब साइकिलिंग के उन लोगों ने अलग से ट्रैक्स बना रखे हैं और वो यूज ही नहीं होते वहां पे, लोग कोई बाइक पार्क करके चला जा रहा है वो चला जा रहा है, बट हाँ ये सब है यार, सेफ्टी बहुत मैटर करती है यार साइकिलिंग चलाने में। मैं तो सोलो ही निकल जाता हूँ, लोग वैसे ग्रुप ग्रुप में भी आते हैं, पर डिफिकल्ट रहता है यार इधर तो साइकिलिंग के लिए प्रॉपर रूट्स वगैरह नहीं है, जो आई थिंक अगर आप यूएस यूके और इधर नॉर्डिक कंट्रीज में जाओ वहां पे तो प्रॉपर रूट्स रहते हैं, हाँ तो सेफ्टी के टर्म में तो यार आई थिंक वो सब मिसिंग है अपने इधर। और अभी इफ यू टॉक अबाउट मनी, जो पैसा है, देखो कुछ दुनिया में कुछ भी चीज चलने के लिए, या लेट्स इवन टॉक अबाउट क्रिकेट या आईपीएल, तो व्हेन व्हेन देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन्वॉल्व, तो आप उसको स्केल कर सकते हो, उसे प्रमोट कर सकते हो, उसे मार्केट कर सकते हो। साइकिलिंग में अभी कुछ ऐसा है? क्या बोल रहे, तो साइकिलिंग में अभी जैसे हाउ स्केलेबल इज इट अभी, मतलब इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन्वॉल्व है इसमें, प्राइज मनी है, इंडिया में इवेंट्स क्या हो रहे हैं इसमें? यार इकोनॉमिक टर्म में तो यार हाँ, मतलब सारी हॉबीज कॉस्टली है यार, मतलब वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपका कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप, मतलब आप एक्सप्लोर करेंगे ही वो सारी चीज, तो मेरी साइकिल जो मैंने ली है साइकिल, दैट मतलब ये 30 के ब्रैकेट में आती है, बट आई हैव सीन कि लोगों ने एक्चुअली इन्वेस्ट करके अपनी हॉबीज में और वो सब में, लोग पीपल हैव परचेस 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, अपने कस्टमाइज बनाई है बाइक, तो यार अच्छा मतलब सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, किसी का भाई स्टार गेजिंग में इंटरेस्ट है वो टेलीस्कोप लेगा, तो मतलब यार सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, तो मतलब इकोनॉमिक व्यू से देखा जाए तो यार फिर उसके बाद वो चीजें मैटर नहीं करती, अगर आप उनका यूज कर रहे हो, अगर आपने साइकिल ली है 3 हजार 5 हजार की भी साइकिल ली आप यूज नहीं कर रहे हो, तो देन इट दैट इज जंक, तो वो सब फैक्टर है, मतलब टू बी ऑनेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, तो मतलब मतलब मैंने मैंने ये तो सही साइकिल है। ली थी तो मैंने साइकिल ली थी तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि ये यूज करेगा या नहीं करेगा, फिर मैंने यूज करी वो अच्छी खासी, उसके बाद मैंने अपनी पुरानी वाली भी बेची, तो घर वाले बोल रहे दोबारा साइकिल ले रहा है, मैंने कहा हाँ तो पुरानी वाली यूज कर लिया, मैं नहीं लूंगा, तो अभी नहीं लिए, तो मेरे को इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में अगर मैं ये वाली अपग्रेड करके अभी मैं 1 लाख वाली भी लूंगा तो मेरे को पता है मैं चलाने वाला हूँ, तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, तो मतलब यार सबका अपना अपना रहता है और नहीं है, जैसे मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में वैसे पूछ रहा था, जैसे जो इसके इवेंट्स हो रहे हैं, लेट्स से दिल्ली में इवेंट, तो उसमें जैसे हाँ। प्राइस मनी, हाउ इज इट, या हाउ मच इज बीइंग अब पोर्ड इनटू इट, जो तुम्हें लग रहा है? प्राइस जैसे इकोनॉमिक, जैसे एक बंदे की स्टोरी बता रहा था, तो मुझे जो सोनी आई गेस हाँ इस पे अरे सर्वाइव कर रहा ये साइकिलिंग के इवेंट्स तो यार आई गेस पहले से ही हो रहे हैं, है। जो एमटीबी नेशनल्स होते हैं हिमाचल में होते हैं वो कब ओके से चल रहे हैं, ठीक है, और अभी एमटीबी एमटीबी हुई थी हिमाचल में, एमटीबी नेशनल्स हुए थे हिमाचल में, तो सारे स्टेट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अपने उत्तराखंड से भी 2-3 लोग थे, एक आई थिंक ही वाज अल्मोड़ा का था एक बंदा और एक पिथौरागढ़ का बंदा था, और हिमाचल के तो लोग थे ही, और मतलब तमिलनाडु, मतलब हर स्टेट के बंदे थे, नेशनल था एमटीबी नेशनल हिमाचल में, अभी रिसेंटली खत्म हुआ यार 1-2 वीक पहले,
और वो नेशनल लेवल का इवेंट है। बाकी आई थिंक जो अभी बात कर रहे हैं जिससे मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो तो लोकल, मतलब लोकल आई वुड से कि हाँ, मतलब अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है साइक्लोथॉन, तो वो स्टार्ट हुआ था। तो आई थिंक धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। और अपने वहां पे भी अभी उत्तराखंड में भी चालू किया था यार, ओम पर्वत तक एमटीबी वाला इवेंट अच्छा था। हाँ, वहां पे पिथौरागढ़ में चालू किया था यार इन लोगों ने मई अभी। हाँ आई थिंक इस साल हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, पर लास्ट ईयर मई में किया था उन लोगों ने, फर्स्ट टाइम किया था। तो उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे यार, वो परफेक्ट था वो। मैंने उसका वीडियो वीडियो देखा था, एक दो बंदे गए थे अपने हल्द्वानी से भी, तो वो काफी सही था यार। वो पूरा प्रॉपर माउंटेन ट्रेल है, अभी उतना डेवलप नहीं था पर वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। तो उसमें उसके इनॉग्रेशन के टाइम पे आई थिंक आर्मी आर्मी वाले भी आए थे। तो पूरा मतलब वहां पे तुम्हें साइकिल ले आनी है। अभी सोचो अगर तुम हिमाचल में हो, हिमाचल में सब कुछ डेवलप ही है, तो वहां पे लोग अपनी साइकिल वाइकिल ले ही आते हैं खुद से गाड़ी वाड़ी में। अब पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ वो पूरा वहां पे लोगों ने अपनी साइकिल फिर ट्रक वक में डलवाई थी, किसी की ट्रक में इधर उधर हो गई, तो वो सब था। और अभी आई थिंक वो पिछली बार बोल रहे थे कुछ ज्यादा मतलब सही गया था इवेंट, तो इस बार भी कराने वाला है, नहीं कराने वाला है, इस बार चेक करना पड़ेगा हो रहा है नहीं हो रहा। मई में हुआ था पिछली बार, इस साल का पता सही नहीं। चल रहा है, मतलब इसका भी ये थोड़ा थोड़ा मतलब पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब हाँ हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ना, जैसे अभी जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ही ब्रॉट अ मेडल 16 सौ एकदम स्प्रिंट में, तो देर आई थिंक इतना मैं समझता हूँ चीजों के ना, एक तो कुछ तो ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ एक चाहिए, एक समथिंग आउट ऑफ द ब्लू व्हेन इट कम्स, तो उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट जागता है। बट हाँ एक तरीके का एक कल्चर है आई थिंक फॉर व्हाट वी कैन से फॉर साइकिलिंग हाँ स्टिल हाँ देयर। हाँ वो सब तो है। आई थिंक वो मतलब वो जो है कल्चर, वो सभी चीजों के लिए है। साइकिलिंग के लिए भी धीरे धीरे आ ही रहा है, मतलब जितना मैं देख रहा हूँ लोग कर ही रहे हैं साइकिलिंग वाइकलिंग। और मतलब अभी जो इवेंट हुआ था जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना, 2-2.5 लाख के लोग साइकिल ले रहे हैं, तो साइकिल पे लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। तो जो बंदा जीता था ही वॉज इन फर्स्ट, तो उसने कंप्लीट की थी 55 किलोमीटर 1 आवर 37 मिनट्स कुछ में की थी कंप्लीट। 55 तो वो 37 मिनट्स में 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर थर्टी सेवन हाँ मिनट्स हाँ 1 आवर 37 मिनट्स। तो वो दैट्स बंदा बोल रहा था कि वो सिर्फ गुड, दैट्स चैंपियनशिप ही अटेंड करता है, वो जो भी चैंपियनशिप होते हैं उसके प्राइज मनी जो मिलता है उससे ही उसका चलता है। तो वो बोल रहा था मैं बहुत सारी अटेंड करके आ गया हूँ। लोग कर रहे सही। हैं यार, मतलब लोग करते हैं मतलब पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट एक्चुअली प्रॉपर आई अच्छे थिंक ये तरीके जब एक तो है कि जो फॉलोइंग है इसकी, जो लोग पीपल जो इन्वॉल्व है इसमें, उनका उनका इंटरेस्ट होना तो लाजमी है ही। पर जब एक जैसे किसी भी खेल के हम बात करें, स्पोर्ट की बात करें, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, तब उसका और प्रमोशन होता है। सी लाइक इवन यू टॉक अबाउट क्रिकेट या आप जैसे धीरे फुटबॉल ये सब कुछ बन रहा है, तो जब उसमें व्यूअरशिप है, जब स्पेक्टेटर है, तभी उसका जो एक जो उसकी फॉलोइंग है, जो लोग देखते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हाँ यार मे बी मैं सोच सकता हूँ कि मैं इसे एक साइड हॉबी या मे बी सेमी प्रोफेशनल करियर बनाऊँ साइकिलिंग में, वट एवर इट इज, बट इट्स गुड टू नो ना समथिंग लाइक दैट कमिंग अप, ऑल्टरनेट थिंग्स दैट आर रियली पॉपिंग अप राइट नाउ, दैट्स हाँ गुड वो एग्जैक्टली है, बट है ना। वो सब है मतलब यू डोंट हैव टू बी प्रोफेशनल, बट अगर आप वैसे अपने इंटरेस्ट के लिए भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अब वो इट्स रील्स गुड में वो सब देखने से अच्छा कि हाँ भाई ये सब चीजें साइकिल हो लेके रही हैं निकलूंगा, तुम्हारे आप रहे स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो सही है। मतलब बढ़िया एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका स्पोर्ट्स वाला हो माइंडसेट, समथिंग समथिंग बाकी दैट सब चीजें तो इन्वॉल्व्स फिजिकैलिटी चले। हाँ राइट आउटसाइड हाँ ऑफ दैट। एक्चुअल में यार मतलब कहीं पे मैंने देखा था आई थिंक वो वीडियो, वो बोल रहा था आई थिंक तुम्हें एक चीज तो ऐसी करनी चाहिए जिससे तुम्हारा हार्ट बीट इंक्रीज हो, तो ऐसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लो, कुछ रनिंग वगैरह कर लो, तो समथिंग वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो मतलब हाँ कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर बनी लो। इसके लिए यार, आई मीन हमारी बॉडी बनी इसके लिए, हम लोग अर्बन जंगल में रह रहे हैं, बट हाँ ये एक्चुअल इस में जंगल के लिए नहीं पता है बनी थी, किसी और जंगल के लिए बनी थी, बट हम एक दूसरी मशीन को एक दूसरे, और कितनी इट्स सच अच्छा वंडरफुल मशीन ह्यूमन बॉडी की, जिस टेरेन के लिए बनी थी उससे कंप्लीटली डिफरेंट टेरेन में भी उतनी ही एफिशिएंट है भाई, एग्जैक्टली सो भाई एग्जैक्टली। इट्स अ पीस ऑफ मार्वल भाई यार। तो शुभम भाई लास्ट मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि लुकिंग बैक एट योर ओन जर्नी राइट, सो कमिंग फ्रॉम हम लोग जहाँ से आए रानीखेत से छोटे शहर से,
देन यू डिड योर इंजीनियरिंग पंतनगर से। पंतनगर इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज, एंड देन तुमने थोड़े साल काम किया, एंड देन ऑल दिस मतलब FMS, एंड नाउ यू आर वर्किंग एट अ गुड प्लेस। सो व्हाट कुड यू टेल टू पीपल जो देख रहे हो, व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली अगर अभी तुम्हें चांस दिया जाए? इज इट समथिंग? यार, अगर मेरे को अभी चांस दिया जाएगा, वो कहते हैं ना, आई थिंक तुम्हारे पास जितना अभी तुमको पता है इतना तुम्हें उस समय पता रहता तो तुम अभी इस जगह पे नहीं होते। तो आई थिंक उस टाइम पे अगर इतना एक्सपोजर रहता तो सर्टेनली यार, मतलब मेरा फर्स्ट लाइन तो मेरा वही था, इंडिया इंडिया का जाना, तो आई थिंक वो सॉर्टेड आउट रहता। जितना मेरे को अभी पता है, जितना मैं अभी फेस कर सकता हूँ, जितना आई एम एबल टू कम्युनिकेट माई सेल्फ, तो वो आई थिंक दैट वुड हैव फिगर्ड दैट वे इटसेल्फ। बट सही है, लाइफ इज लाइफ। Life is life. चल ब्रो, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हाँ विल कैच अप।